सांवेर में गांव-गांव तक नर्मदा लाने के लिए शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल्द ही शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा कलश यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के लिए नर्मदा शिप्रा संगम स्थल पर पूजन हुआ और भाजपा नेताओं ने जल संकल्प के साथ शंखनाद किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। नजारा है नर्मदा शिप्रा संगम स्थल का, जहां भाजपा के तमाम नेता सांवेर में नर्मदा का पानी ले जाने के संकल्प के साथ जुटे थे। इस मौके पर सांवेर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाने वाली नर्मदा कलश यात्रा के लिए पूजन भी हुआ। साधु संतों की मौजूदगी में यहां हर हर नर्मदे का नारा भी बुलंद हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक और सांवेर उपचुनाव प्रभारी रमेश मैंदुला, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, रवि रावलिया, सुभाष पटेल, अश्विन पटेल, राजा ठाकुर सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। यात्रा के लिए नेताओं ने साधु संतों के साथ पूजन किया और सांवेर के हर गाँव तक नर्मदा का पानी पहुँचाने का शंखनाद किया। और इस कार्यक्रम के आज शुभारंभ हम आपसे कर रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। हमारे चुनाव के संयोजक आदरणीय रमेश जी मेंदुला रमेश दादा यहाँ पर उपस्थित हैं, चुनाव के संयोजक आदरणीय मधु वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप दोनों के अथक प्रयासों से और आपके मार्गदर्शन में ये योजना भी लोगों तक पहुँचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं सांवेर चुनाव में। इस यात्रा का जिम्मा बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर संभाल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्षेत्र की महिलाएं कलश लेकर नर्मदा यात्रा निकालेंगी। इस दौरान सोनकर ने कहा कि नर्मदा का जल सांवेर को समृद्धि प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगा। पवित्र जल आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सम्मानीय हमारे सब सेक्टर प्रभारी, ये इस कलश के माध्यम से आपके आशीर्वाद के साथ ये जल अपने अपने पोलिंग बूथों तक पहुँचाने वाले हैं। और आज से ही सांवेर विधानसभा के 314 जो हमारे पोलिंग बूथ हैं, प्रत्येक पोलिंग बूथों पर हमारी माता और बहनें ये जल कलश यात्रा के रूप में पूरे गांव पूरे अपने अपने गांवों का भ्रमण। कुल मिलाकर सांवेर में नर्मदा मैया के सहारे अब सारे भाजपाई एकजुट नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि ये एकता किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।